ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने फिनाइल पी लिया। परिजनों का आरोप है कि थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। घटना के लिए हुड़केश्वर थाने का अधिकारी जिम्मेदार होने का आरोप है। 19 वर्षीय युवती हुड़केश्वर क्षेत्र निवासी है। रोहित आकाश नगर निवासी नामक युवक एकतरफा प्रेम प्रकरण के चलते युवती को परेशान करता था। इंस्टाग्राम व फेसबुक से युवती के फोटो एडिट कर उसे अश्लील बनाया और इन फोटो को वायरल करने की धमकी देकर वह युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने कई बार युवती के घर के सामने आकर हंगामा भी किया। परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने का भी उस पर आरोप है। मार्च माह में युवती ने हुड़केश्वर थाने में शिकायत की थी। प्रकरण गंभीर होने के बाद भी असंज्ञेय प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस के कोई ठोस कदम नहीं उठाने से रोहित की हिम्मत बढ़ गई। वह युवती को पहले से ज्यादा परेशान करने लगा। सोमवार को बेसा के घोगली तक उसने युवती का पीछा किया तो युवती ने उससे बात करने और मिलने से मना किया। इस बात को लेकर रोहित गाली गलौज करने लगा। आखिरकार परेशान होकर युवती ने फिनाइल गटक लिया। हालत खराब होने पर परिजनों ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया। उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े के साथ पिंकी खानोलकर, नागपुर। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। साथ ही सब के लिए रोबोटिक एनिमल्स पार्क, तो देखना ना भूलिए। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर मेगा ट्रेड फेयर। हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलत रोडी रोड, नागपुर।